वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्रोशर फ्लैट सर्कल बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपनी यान को नॉट लगानी है, देन फिर हमने इसमें फोर चेन से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने फोर चेन बनानी है, 1, 2, 3 एंड 4। फोर चेन बनाने के बाद इसमें फर्स्ट चेन में से हुक को पास करवा कर यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे, ठीक है। स्लिप स्टिच बनाने के बाद यहाँ पर 3 चेन 1, 2 एंड 3। 3 चेन बनाने के बाद ये जो मिड में हमारे पास होल बना है, ठीक है, ये जो होल है यहाँ से हुक को पास करवाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह, ठीक है। अब इसी होल में से पास करवाते हुए हमने 11 मोर डबल क्रोशिये बनाने हैं, मीन्स हमारे पास यहाँ पर टोटल 12 डबल क्रोशिया बनेगा। इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए हमें टोटल 12 डबल क्रोशिये बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास टोटल 12 डबल क्रोशिये बन गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने यहाँ पर इसे फर्स्ट के साथ स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देना है, उसकी थर्ड चेन में से हुक को पास करवा कर इस तरह, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट है। नेक्स्ट के लिए हमने फिर से 3 चेन बनानी है, 3 चेन बनाने के बाद हमने ये जो सेम चेन थी जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहीं पर 1 टाइम डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। मीन्स अब हमने हर एक चेन में इंक्रीज करते जाना है। पहले हमारे पास टोटल 12 डबल क्रोशिया बने थे, अब इस राउंड में हमारे पास 24 बनेंगे। 1 चेन 2 डबल क्रोशिया, ओके। हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है, 1 इंक्रीज करते जाना है। इस तरह हमारा एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर टोटल 24 डबल क्रोशिये बनेंगे। इस राउंड में भी हमारे 24 कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर ये जो स्टार्ट में हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी थर्ड चेन में जाकर हुक को पास करवा के स्लिप स्टिच बना देना। ये राउंड हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट राउंड में अब हमने क्या करना है, फिर से 3 चेन बनानी है। स्टार्ट हमने 3 चेन से किया और जहाँ पे हमने 3 चेन स्टार्ट किया वहीं पे हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो चेन है एक चेन में 1 टाइम डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट जो चेन है इस चेन में नहीं, नेक्स्ट चेन में 2 टाइम डबल क्रोशिया, मीन्स 1 इंक्रीज करते जाना है। फिर से 1 डबल क्रोशिया एंड देन नेक्स्ट चेन हैव 2 डबल क्रोशिया। वन चेन 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया। वन इस राउंड में हमने क्या करना है, पहले एक चेन में 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह यहाँ पर इस राउंड में हमारे पास टोटल 36 टर्न्स बनेंगी। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया, इसमें हमारे पास टोटल 36 टर्न्स बनी है। अब हमने इसे यहाँ पे जो स्टार्ट में 3 चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में जाके इसे स्लिप स्टिच से इस तरह कनेक्ट कर देना है और ये राउंड कंप्लीट। नेक्स्ट के लिए फिर से 3 चेन से स्टार्ट करेंगे और इसी चेन में हमने 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। अब नेक्स्ट लास्ट वाले में हमने क्या किया था, एक चेन में एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाया था और नेक्स्ट में 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाया था। अब हमने क्या करना है, 2 चेन में 1 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है, सेकंड में 1 टाइम डबल क्रोशिया, अब थर्ड चेन में जाके 2 टाइम डबल क्रोशिया। थर्ड चेन में जाके हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। पहले सिंगल रहेगा फिर
थर्ड में जाके इंक्रीज करेंगे। अब फिर से फर्स्ट चेन में वन टाइम डबल क्रोशिया वन, अब सेकंड चेन में वन टाइम डबल क्रोशिया, अब थर्ड चेन में हमने टू टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। वन इंक्रीज कर दिया, फिर से वन डबल, वन डबल क्रोशिया एंड टू डबल क्रोशिया। इस राउंड में हमने क्या करना है, फर्स्ट चेन में वन टाइम डबल क्रोशिया, सेकंड में वन टाइम डबल क्रोशिया और थर्ड चेन में जाके टू टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। और टोटल इस राउंड में हमारे पास 48 टर्न्स बनेंगी। इस राउंड में भी हमारे पास टोटल 48 टर्न्स कंप्लीट हो गई हैं। लास्ट पर आकर हमने इसे फिर से स्लिप स्टिच से बाइंड कर देना है इस तरह। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए फिर से थ्री चेन, नाउ उसी चेन में हमारे पास एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनेगा। अब नेक्स्ट में हमने थ्री चेन्स में वन वन टाइम डबल क्रोशिया बनाना है और लास्ट में इंक्रीज करना है, टू टाइम डबल क्रोशिया बनेगा। ठीक है, वन सेकेंड चेन में वन टाइम डबल क्रोशिया और थर्ड चेन में वन टाइम डबल क्रोशिया एंड अब फोर चेन में जाके हमारे पास टू टाइम डबल क्रोशिया बनेगा। ठीक है, लास्ट में हमने क्या किया था, टू में हमने सिंगल डबल क्रोशिया बनाए थे और थर्ड में जाके हमने डबल क्रोशिया बनाया था। अब नेक्स्ट राउंड में हमारे पास थ्री में, थ्री चेन में वन टाइम डबल क्रोशिया बनेगा और फोर चेन में जाके हमारे पास इंक्रीज होगा, यानी कि टू डबल क्रोशिया बनेंगे। ठीक है, इस तरह मज़ीद आप इसे बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, वन टू एंड थ्री चेन में वन टाइम डबल क्रोशिया और फोर चेन में जाके इंक्रीज, टू डबल क्रोशिया। अब फिर से फर्स्ट चेन में वन डबल क्रोशिया, सेकंड में वन डबल क्रोशिया, थर्ड चेन में वन डबल क्रोशिया और फोर चेन में हमारे पास इंक्रीज होगा वन, यानी कि टू डबल क्रोशिया बनेंगे। ठीक है, इस तरह यहाँ पर हमारे पास टोटल 60 टर्न्स बनेंगी और ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया, इसमें हमारे पास टोटल 60 टाइम डबल क्रोशिया बनाया। अब लास्ट पर यहाँ पर इसकी थर्ड चेन में से हुक को पास करवा के स्लिप स्टिच बना दिया। अब मज़ीद अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो इसी पैटर्न को फॉलो करते जाएं। मीन सबसे पहले हमने क्या किया था, फोर चेन बनाई थी। फोर चेन बनाने के बाद हमने इसके मिड में से, होल में से गुजार के टोटल 12 टाइम डबल क्रोशिया बनाया। फिर सेकेंड राउंड में हमने क्या किया कि उसी चेन, हर एक चेन में से टू टाइम डबल क्रोशिया बना के इंक्रीज करके हमने 24 तक ये डबल क्रोशिया बनाए, एक सर्कल में आ गया। देन फिर हमने थर्ड राउंड में क्या किया कि एक चेन में टू टाइम डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक सेकंड चेन में वन टाइम डबल क्रोशिया बना के, फिर थर्ड में फिर से टू टाइम डबल क्रोशिया, फिर वन टाइम डबल क्रोशिया, फिर टू टाइम डबल क्रोशिया, ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब फोर्थ राउंड में हमने क्या किया था कि पहले हमने जो दो चेन थी उनमें से वन वन टाइम डबल क्रोशिया बनाया था और जो थर्ड चेन थी उसमें से टू टाइम डबल क्रोशिया बनाया, फिर वो वन वन टाइम डबल क्रोशिया टू चेन में और फिर थर्ड चेन में टू टाइम डबल क्रोशिया। इस तरह ये थ्री चेन में हमारा ये कंप्लीट हुआ था। अब लास्ट वाले राउंड में हमने क्या किया है कि थ्री चेन जो थी हमारे पास उनमें वो सिंगल डबल क्रोशिया बनाए थे, वन वन टाइम डबल क्रोशिया बनाए थे और जो फोर वाला था उसमें टू टाइम डबल क्रोशिया बनाया था। इस तरह ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसी तरह आप इसी पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे। मीन्स अब यहाँ पर थ्री चेन थी ना, तो उसमें आप फोर चेन में वन वन टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फाइव में जाके टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह आगे 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 आप बनाते जाइएगा। ठीक है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपके बहुत जगह पे काम आएगा। आगे मेरी और वीडियोस में भी इसको मैं साथ लेके चलूँगी। मींस अगर आपने कैप बनानी है या कोई राउंड टेबल कवर बनाना है या सर्कल में कोई भी चीज़ बनानी है तो आपको पहले सर्कल का
बनाना आना चाहिए। ये ज़्यादातर वीडियोस जो मेरी हैं ये बिगनर्स के लिए हैं, ठीक है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा बना। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।